आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं मंजरी आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। जामताड़ा में जिला जल जांच प्रयोगशाला के कर्मियों को 8 माह से नहीं मिला के मानते। जामताड़ा स्थित प्रमंडलीय जिला जल जांच प्रयोगशाला में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों को पिछले 8 महीने से मानदेय नहीं मिला है, लिहाजा ऐसे में इस कोरोना संकट की घड़ी में इन लोगों को परिवार संचालन में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जल जांच लैब में कार्यरत कर्मियों ने बताया कि पिछले 8 महीने से हम लोगों को वेतन नहीं मिला है, जिस वजह से घर संचालन में काफ़ी परेशानी हो रही है। जामताड़ा से गौतम मंडल की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका और कितने वर्षों से यहाँ कार्यरत हैं और क्या परेशानी है वर्तमान में? मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है और हम पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत आउटसोर्सिंग में यहाँ पे जल जांच प्रयोगशाला में कार्यरत हैं पिछले 5 वर्षों से, और अभी फिलहाल में पिछले 8 माह से हम लोग को वेतन नहीं मिला, जिसके कारण एक कोविड महामारी में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और घर चलाना भी मुश्किल हो गया। कितने आप लोग कर्मी हैं जिन्हें 8 महीने से मानदेय नहीं मिला है? हम लोग पेयजल स्वच्छता विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला में 3 कर्मी हैं जो कि आउटसोर्सिंग में, एक हैं प्रदीप कुमार महतो प्रयोगशाला सहायक, और तीसरा है सीताराम दे नमूना संग्रह जो फील्ड से जाकर नमूना संग्रह कर लाते हैं और उसी का हम लोग जाँच करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका और ये कौन सी जगह है और क्या समस्या है आपके साथ बताइए? बिजली विभाग है, मैंने यहाँ पर नैब है, पानी हम लोगों को जाँच होता है यहाँ पर, हम नमूना संग्रह है सीताराम दे, और 8 महीने से हम लोगों को पेमेंट भी नहीं मिला है, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। जो रहा बात जंगल झाड़ी का, हम लोग कर क्या सकते हैं।